हेलो ट्रेनर्स, वेलकम बैक टू एंड्रॉइड गेमिंग विद पोकेमॉन। लेट्स गो पिकाचू जर्नी। तो फाइनली हमारे सामने है ईविसोर, जिन्हें हमें हराना है। बट यार, ये ईविसोर को मैं हराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी ये ईविसोर चाहिए और हमें यूज करना पड़ेगा एब्जॉर्ब, जो कि कोई काम का नहीं होने वाला। तो हम अपने पोकेमॉन को स्विच करने वाले, और स्विच किस पे करने वाले हैं? ग्रोलिथ पे करने वाले हैं, क्योंकि ग्रोलिथ के पास है फ्लेम थ्रोर, और फ्लेम थ्रोर के सामने ईविसोर तो नहीं बच सकता। बट हमारे पास चार्मेंडर तो है, बट ईविसोर नहीं है यार, वो भी चाहिए। तो इसके लिए हमें पकड़ना पड़ेगा इसे कहीं से। एंड ग्रोलिथ का फ्लेम तो बहुत ही ज्यादा डैमेज देगा, मैंने एक्सपेक्ट किया था, बट उतना ज्यादा नहीं दिया। ऐसा क्यों मुझे नहीं पता। टेक डाउन उन्होंने यूज किया है, बहुत सही, कोई बात नहीं। बट एक बार और फ्लेम थ्रोर खत्म, बूम, जल के राख हो गए। सो ये जो स्लोपोक वाले पहन के आते हैं ना कपड़े, इन पे कभी विश्वास मत करना। ये पहनते हैं स्लोपोक वाला कपड़ा और कोई भी पोकेमोन लेके आ जाते हैं। मतलब भाई, क्या ही कह सकते हो कि कोई भी कपड़ा पहन लो आप, लेकिन पोकेमोन कोई भी लेके आओगे। यार कपड़ा स्लोपोक वाला पहने हो तो स्लोपोक लेके आओ, कुछ भी लेके आ जाते हो। यू फाउंड अ फुल हील। वाओ भाई, हमें एक अच्छा मिल गया, फुल हील मिल गया, ये बहुत सही है। फुल हील से हम पूरी तरह से पोकेमोन को हील कर सकते हैं। अरे यार, ये चीज मुझे बहुत बेकार लगता है, जब मैं नहीं चाहूं कि आप बैटल में आओ तो क्यों आते हो? मैं नहीं चाहता ना, मैं भागना चाहता हूं। नहीं भाग पाया। यू कैन बेन ट्विग्स एज ट्रेल मार्कर्स। ये लोग कुछ भी बोलते हैं और लड़ने आ जाते हैं, ये मुझे बहुत बेकार लगता है। बोलो ना कि बैटल करना है साफ साफ, तो कुछ भी बोलोगे और लड़ लोगे, मतलब क्या है? वॉल्पेक्स भाई, नाइनटेल्स में इवॉल्व होती है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक सुंदर दिखती है। वैसे इसकी ट्रेनर भी सुंदर है, तो वो फाइट कर लेते हैं। ग्लूम है हमारे पास, एंड देन पॉइजन पाउडर यूज करते हैं। फ्लेम थ्रोअर, वॉल्पेक्स के पास भी फ्लेम थ्रोअर होता है, ऐसा थोड़ी होता है। वॉलपिक्स ने यूज किया है फ्लेम थ्रोअर, तो बहुत सही। तो हम रॉक स्लाइड यूज करेंगे अपने जियोडूड का। जियोडूड कैडाबड़ा नहीं यूज करना है भाई, जियोडूड आ जाओ। और ये फ्लेम थ्रोअर उतना ज्यादा डैमेज नहीं होगा भाई, फ्लेम थ्रोअर से इसको ज्यादा से ज्यादा 10-20, मैं जानता था क्योंकि भाई इसको रखते ही हम लोग है फायर टाइप पोकेमोन को डिफीट करने के लिए। तो अगर ये भी फायर से डिफीट हो जाएगा तो फिर इसको रखेंगे क्यों? रॉक थ्रो एक बहुत ही अच्छा अटैक है, लेकिन इसमें अच्छा अटैक काम नहीं कर रहा, बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गया। ओहो, खतरनाक एनिमेशन भी था और खतरनाक डैमेज भी था भाई। मतलब भाई, मार चलिस वाला बात था ये तो यार, लुक ही नहीं जाता यार, इतना कौन मारता है? जियोडूड भाई, ऐसे मारोगे तो सामने वाले का क्या हाल होगा, समझ रहे हो? ऐसा मत करो यार। और यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है कैडाबड़ा। कैडाबड़ा को भाई कोई भी हरा सकता है, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। रॉक स्लाइड यूज करके देख लेते हैं, मे बी। एंड कैडाबड़ा का साई बीम बहुत ज्यादा अच्छा था, जिसने हमें हरा दिया। कोई बात नहीं, हमारे पास अभी भी अपना पिकाचू है, बट उसके पास हेल्थ नहीं बचा है। पर्शियन, आप यूज करेंगे फ्यूरी स्वाइप्स? जरूर करेंगे, एक बार नहीं 5 बार डैमेज देना है। 5 बार डैमेज देना था ना, एक बार कह दिए ब्रो, हमारे पास हो तो एक बार डैमेज दोगे, सामने वाले पास रहोगे तो 5 बार डैमेज दोगे, ये कहाँ का भेदभाव है? बहुत बेकार थे। तुम सिर्फ घूमने लायक हो यार, तुम्हारे पे सिर्फ घूम सकते हैं और किसी काम के नहीं हो तुम। ग्रोलिथ,
तुम्हारे पास एक ही अटैक अच्छा है, वही अच्छा से यूज कर दूं। हे भगवान, ये ग्रोलित ने क्या कर दिया? पिकाचू, आप ही हो जो कुछ कर सकते हो। आई एम काउंटिंग ऑन यू, बट उससे पहले मैं आपको कुछ दे दूं, क्योंकि आप हार गए तो फिर मैं हार जाऊंगा, तो एक पोशन ले लो। इसी तरह पोशन का यूज करके हम लोगों ने लेफ्टिनेंट सर्च को हराया था, तो पिकाचू ने ही हराया था। बहुत खतरनाक डैमेज दे रहा है ये। पोशन यूज करना बेकार था। थंडर बोल्ट यूज करो, मरा तो ठीक, नहीं मरा तो कोई बात नहीं। ओ नो, नाइट शेड। छोड़ दे छोड़ दे भाई, 6 HP पे कौन छोड़ता है? सही बात, 6 HP पे कौन छोड़ता है? ग्लूम, सिर्फ एक बार मारना है भाई, मार देना। रेजर लीफ भी मार दोगे, जॉब भी मार दोगे, कोई भी मार दोगे। योर ओपोनेंट्स वीक। अपोनेंट तो हमारा वीक है, हमें पता है, लेकिन भाई मार पाएंगे तब ना। साई भीम, नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई, गॉट डिफीटेड। हमारे सारे पोकेमोन मारे गए, हमें 936 कॉइंस का लॉस्ट हो गया। कोई बात नहीं, होता है, क्या ही कर सकते हैं। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू गो फार ऑफ द बीटन पाथ, यू शुड ट्रूली रिमेम्बर टू स्टॉक अप ऑन पोशन फ्रॉम द पोकमार्ट। अच्छा, ये हमें बोले ये पोशन खरीद लो। पोशन खरीदने के लिए पैसे लगते हैं। एंड आई डोंट वांट टू स्पेंड माय मनी। फिर से हमें केव में जाना होगा। तोड़ो इसको, तोड़ो। अरे पर्सियन यार, जितना तुम घुमाते नहीं हो ना, उससे ज्यादा प्रदान कर देते हो। इससे बात कर लेते यार, भाग गए थे हम लोग। कर लो बैटल, तुमको बोलो लड़ना था तो लड़ने के वजह से कोई भी बहाना देके लड़ लो। अबे ये पॉलीबॉल भाई, हमारा कड़ावड़ा कभी नहीं मरता, ऐसा हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, लेकिन सामने वाला का तो मरता ही नहीं। देखो, तुम बबल बीम से भी मेरे कड़ावड़ा को मार दोगे और मेरा कैडेवरा कुछ नहीं करेगा, लेकिन अपोनेंट का अभी वो कैडेवरा ने मेरा हालत खराब कर दिया। पिकाचू भाई कहाँ हो आप? आ जाओ, नहीं ग्लूम भी काम कर देगा, पिकाचू का जरूरत नहीं है। रिजल्ट है ना, इसमें एक बहुत सही है यार। मतलब बताता नहीं है कि आपका कौन सा पोकेमोन वीक है या स्ट्रॉन्ग है, किसके अगेंस्ट। यहाँ पे बताओ हमारा ये, ओहो हिप्नोसिस। सो गए मेरे दिल के चैन। ये क्या हो गया यार, ये क्या हो गया ग्लूम भाई? आपको मैं सोने के लिए बुलाया था या लड़ने के लिए बुलाया था? सो गए, अब आपको मार रहे, आपको अच्छा लग रहा है, उठ जाओ। हे ग्लूम उठ जा, ग्लूम उठ जा, हे ग्लूम मेरे उठ जा। कितना सो रहा है। एनिमेशन भी कितना जबरदस्त है, आंख बंद करवा दिया और उसका आंख तो खुला ही रहता है, वो बंद भी होता है कि नहीं क्या पता। अब तो उठ जा भाई, उठ जा। उठ गया, मार दे और खत्म कर दे, खत्म भी कर देता।
फिर से मत भाई, धोखा हो गया ये तो यार। ऐसे कौन करता है, ऐसे कौन करता है भाई, दो बार कौन सुलाता है। हेलो ट्रेनर्स, वेलकम बैक टू एंड्रॉइड गेमिंग विद पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू जर्नी। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने पॉली वर्ल्ड और उसके सामने हम लोग यूज करने वाले अपने ग्लूम को, लेकिन हमारा ग्लूम जो है बहुत ही ज्यादा मार खा चुका था बट फाइनली उसने हरा दिया है। और ये वही ट्रेनर है जिससे बच के मैं एक बार भाग गया था, बट फिर मैं सोचा कि बच के भागने से फायदा नहीं है, इससे लड़के जाएंगे, तो हम लड़ने आ गए थे। और यहाँ पे हमारा एक पोकेमोन तो हार चुका है, उनका एक हार चुका है, हमारा नहीं। और यहाँ पे प्राइम एप आ चुका है, बहुत सही। उतना सही नहीं था बट चलो ठीक था, पॉइजन लगा देते हैं, एसिड यूज करते हैं। ब्रिक ब्रेक एक फाइटिंग टाइप मूव है और फाइटिंग टाइप मूव का इस पे असर नहीं हो रहा उतना। अरे यार अब तो मर जाएगा, गलती हो गया, पहले वही यूज करेगा तो मर ही जाएगा ना। मेरा ग्लूम फेंट भी हो गया और बोल रहा है इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव। गजब, यहाँ पे हमारे सामने जियो डूड, जियो डूड का रॉक थ्रो यूज कर लेते हैं, रॉक स्लाइड। क्या हुआ, जियो डूड भी गए। अब हमारे पास तीन पोकेमोन बचे हैं जो कि हमारा एक देवता और दो और, और ये हमारे देवता प्रकट हो गए जो कि बहुत इजीली इसे हरा देंगे अपने जीपी जैप से। कभी कभी जो ऐसा सोचते हो वैसा नहीं होता। फाइनली वी हैव डिफीटेड, ताश ओ आप हार गई, कोई बात नहीं, हमें हमें ब्रिक ब्रेक मिल गया। हम इसे बिना हराए भाग रहे थे और बताओ तू, हमें ब्रिक ब्रेक मिल गया। अब हमें अंदर जाना होगा, अंदर जाने से पहले कहीं और जा सकते क्या? ये पर्शियन को मैं जान मार दूंगा। पहले हम यहाँ पे रिकवर करेंगे अपने पोकेमोन को, क्योंकि पोकेमोन का हेल्थ रिकवर होने का जरूरी है। और यहाँ पे जल्दी से फिर चॉप करना पड़ेगा हमें। हमने अभी तक दो स्किल सीख ली, एक चॉप डाउन है और एक लाइट अप वाला है, तो अब हमें लाइट अप वाला भी यूज करना पड़ेगा शायद यहाँ पे। अब जल्दी से बच के भागो, क्योंकि रॉक टनल में हमने ऑलमोस्ट सभी को हरा दिया था, इसको हरा चुके थे। हाँ इसको तो हरा दिया था हम लोगों ने, एंड देन यहाँ पे सबको हरा चुका था। अबे यार बच्चू ना भाई, अबे भाई जाओ हट, चलो तो यार जाने तो दो भाई, बड़े धीटो यार।
उसको हरा चुके थे, उधर नहीं जाना है, उधर ही जाना है। नहीं, किसे भी हरा दिया था हम लोगों ने, और एक कैंपर भैया थे उन्हें भी हराया था, तुम्हें भी हराया था मुझे याद है। बच गया नौ, इसे तो हम हराए थे, मतलब बच के भाग गए थे, इसे भी बच के भागने का कोशिश था बट नहीं भाग पाए। और यहाँ पे ऑनिक्स है, ऑनिक्स को तो बहुत इजीली हराया जा सकता है। अबे टेलीपोर्ट नहीं यूज होना था यार, गलती यूज हो गया। टेलीपोर्ट से होता क्या है? पोकेमोन को चेंज करने के लिए टेलीपोर्ट था, और उससे फायदा? भाई मैं चेंज भी कर लेता। नहीं, हमें टेलीपोर्ट यूज करने के वजह से मूव भी मिला चुनने को, देन यूज हुआ, बहुत सही। भाई ऑनिक्स भाई, आप इसके सामने नहीं टिक पाओगे, मुझे पता था। आप कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, आपका सबसे बड़ा कमजोरी यही है, इसीलिए मैं ग्लूम को रखता हूँ कि आपको बहुत इजीली डिफीट कर दूं। सैंड स्लैश कोई बात नहीं, सैंड श्रू का बड़ा वाला है, ये भी एब्जॉर्ब से खत्म हो जाएगा। डिग, हमारा अटैक मिस होगा। भाई सेंसलेस तुम नहीं हरा सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। एंड फाइनली हाइकर भैया, आप हमें कहीं भागने नहीं देते हो, तो आपको हम बिना हराए भी नहीं जाएंगे। हरा दिया, अब जाएंगे, बाय बाय। दो कॉइन दो, 920 कॉइन रखे हुए थे। अभी साइकिल को भी हम लोग एक बार हरा के भागो। नहीं अब तुम्हें, अबे तुम, अच्छा इससे बच के भाग गए थे उस बार, उस बार इससे बच के भाग गए थे हम यार, सामने वाले हाइकर से नहीं भाग पाए थे, इनसे अब नहीं भाग पाएंगे थे, इनसे हमें लड़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे गोल बैट भी है, और प्लस में ये भागने भी नहीं देगी। लड़की से बच के कौन भाग सकता है यार, ये क्या कर रहे हो भाई, हम उधर जाएंगे नहीं, इधर भी नहीं जाना है, हमें उधर जाना क्यों है? चलो देखो भाई, भाग जाना भाई, भाग भाग जाने नहीं भाग भाई, कैसे वल्पेक्स के पास फ्लेम थ्रोअर है। हमारे कैडेब्रा के पास कुछ नहीं है, हमारे कैडेब्रा को कम मत समझो, हमारे पास जियोडूड है, वी स्टिल हैव जियोडूड विच कैन डील मोर डैमेज देन यू। वल्पिक्स बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखती है नाइनटेंस में जब कन्वर्ट हो जाए, तो भाई इसकी ट्रेनर भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है, तो दोनों ही सुंदर है, पोकेमोन भी और ट्रेनर तो है ही, कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे रॉक स्लाइड, बहुत हो गए नौटंकी। वल्पिक्स ने यूज किया फ्लेम थ्रोअर, एंड कुछ नहीं होगा हमें, मुझे पता था, सब योर पुन्नु, लड़की चला दिया।
और वाल पिक्स को कुछ नहीं हुआ, हम बर्न हो चुके हैं, हम जल गए हैं, और अब जलने के बाद अब भूल भी जाएंगे क्योंकि फ्लेम थ्रोअर अगेन यूज कर लेगी। नाउ वी गॉट डिफीटेड, वल्पिक्स ने दे दिया धोखा, अब हम यूज करेगा अपने कैडेब्रा को। शाय भीम, ओ भाई थोड़ा सा से बच गई, वल्पिक्स फ्लेम पर बहुत सही यूज हुआ, मैं यूज करके देखूंगा। अभी सामने भी एक कड़ाबड़ा आएगा, लेकिन सामने वाला कड़ाबड़ा बहुत पावरफुल होगा, जबकि हमारा नहीं है, बट सामने वाला होगा। कड़ाबड़ा का लेवल अपग्रेड हो गया, कोई मूव दे दो यार, कोई अच्छा सा मूव सीखना चाहता हो। नहीं, कड़ाबड़ा वर्सेस कड़ाबड़ा खेलेंगे। नाइट सीट, उसका साई बीम से हम तीन पे बचे और हमारे नाइट सीट से वो 30 डैमेज खाया। स्पीड उसका हाई है तो पहले वही मारेगा, दोनों कड़ाबड़ा आपस में लड़ गए और एक कड़ाबड़ा मर गए। अरे यार कैडेब्रा पेंटर ग्रोलिथ, मे भी ये ग्रोलिथ बहुत ही सही यूज होगा, 50 एचपी है भाई, कुछ तो यूज होना, एक एक डैमेज दे देना कम से कम, एक भी नहीं दे पा, किस काम के हो भाई तुम? नहीं नहीं बता दो किस लिए हम तुम्हें रखेंगे, कुछ काम नहीं करोगे तो क्यों रखे हम तुम्हें? ब्लूम को तो रखने का रीजन है क्योंकि ये हर जगह काम आता है। कहीं कहीं नहीं आता, पिकाचू भाई हरा देना भाई। मोस्ट ऑफ ग्लोरी में ऐसा लगता था कि भाई बहुत इजी होता है इन सभी ट्रेनर्स को हराना, बट इस गेम ने बता दिया कि इजी नहीं होता, आप बहुत बार डिफीट हो सकते हो। सो फाइनली ये लड़की हार गई, अब जल्दी से इस केव से बाहर निकलना होगा हमें। कोई बात नहीं, और 5 अल्ट्रा बॉल मिल गए यार, बहुत सही। यहाँ पे एक और ट्रेनर है, ओ नो ये भी आ गया लड़ने के लिए। इनके पास भी 2 पोकेमोन है, माचोप। अबे यार जब कैडेब्रा हमारा मर जाता है तब तुम लोग का माचोप कहाँ से आता है? जब जब मेरा कैडेब्रा मर गया है तब तब मैं चुप आ जाता है। पिकाचू का थंडर बोल्ट इतना ज्यादा इफेक्टिव था तो इजीली हम लोगों ने इसके एक पोकेमोन को तो डिफीट कर दिया है, बट दूसरा का क्या होगा नहीं पता। नहीं भाई ओल्ड मूव्स रखो, एजिलिटी नहीं सिखाना है मुझे। माचो फी यूज करोगे अगेन थंडरबोल्ट, अगर एक एचपी भी बच गया तो पोशन यूज कर लूंगा, जरूरत ही नहीं पड़ा। वाह
अब हमें जाना पड़ेगा पोकेमोन सेंटर। चलो फाइनली हम लोग केव में हरा चुके हैं सभी को, ऐसा मैं कहना चाहता था। अभी मैं फिर से तीन ट्रेनर से भाग के निकला हूं वहां से, इससे नहीं भाग पाऊंगा क्योंकि इसका डैम ऐसा बनाया ही है, वे ही ऐसा बनाया, तो भागना पॉसिबल नहीं है। मैंने बोला ही तो भागना पॉसिबल ही नहीं है। बट मैं यहाँ हारना नहीं चाहता, जिनके पास भी दो पोकेमोन है यार, मैं आउट यूज करेगा फेक आउट, तो अब हम गए। अगर उसने फेक आउट यूज किया तो गए, फेंट यूज किया, ये क्या है भाई, तू गया मी आउट। स्विच करने के लिए हमारे पास पोकेमोन है क्या जो पूछ रहे हो भाई? अब इतने आ गए तो इसे हम हराएंगे थोड़ी, बैग में यूज करो पोशन। नहीं ये नहीं यूज करना मुझे, फुल हील भी हमारे पास दो है बट हम फुल हील नहीं यूज करने वाले। गेनर थंडरबोल्ट कंफ्यूज मत हो भाई, अबे एक बार और मारना है भाई, बिलो विस्प बर्न होगा भाई, तुम इसे जला दो, मार दो, सब कर दो। जला भी दिया, कंफ्यूज भी कर दिया, अब बचा क्या? तो फाइनली अब मुझे लगता है कि ये केव खत्म होगा, क्योंकि इन केव ने तो यार जिंदगी, सच बोलो तो क्या ही बोले। इतना ज्यादा कौन लड़ता है? अबे ये तुम जितना का मुझे घुमाते नहीं हो उतना का नौटंकी करते। केव से बाहर कैसे भागे? ओ बेमाचो, हम नहीं चाहते हैं आपसे लड़ना, प्लीज चले जाइए और हमें भी जाने दीजिए। अबे जाए किधर ये भाई, जाए तो जाए किधर, रास्ता ही नहीं है। अच्छा इधर है, फाइनली केव से निकल चुके हम और आगे हम लोग पहुंच गए रूट 10 में, जिसको हम लोगों ने बाद में डिस्कवर करने वाले हैं, क्योंकि भाई मेरा दिमाग बहुत ही ज्यादा बेकार हो रहा है। इतना ज्यादा अंधेरे में हमें केव में लड़वाया गया है, मतलब एक नया मूव इन लोगों ने दे दिया टेक्निक, और उसके कारण इन लोगों ने 50 बैटल करवाए। तो आज के इस बैटल में इतना ही, फिर मुझे लगा दूंगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड क्रिकेट गेमिंग, बाय बाय, सी यू सून।